सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोची। नाश्ता उठाई हूँ सुबह के, अभी 7 ही बजे हैं और थोड़ी देर हुई है मेरे को उठे हुए। बस आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज मेरे को त्रिवेंद्रम जाना है और अभी मैं कन्याकुमारी के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया हूँ। कुछ ही दिनों में 2-4 व्लॉग के बाद कन्याकुमारी से कश्मीर वाली राइड स्टार्ट होने वाली है, सो बने रहिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कन्याकुमारी से लद्दाख की जो राइड है वो स्टार्ट हो जाएगी तो मज़ा आने लगेगा और अभी भी मज़ा आ ही रहा होगा ऑफकोर्स। सो विद दिस आई एम ईशान, वेलकम टू माई लाइफ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल IB Films। रास्ते में बारिश भी हो सकती है, बिल्कुल काले बादल है, सो वो मैं रिस्क नहीं ले सकता। अभी बारिश होती है तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे होती है और गर्मी होती है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होती है, बिल्कुल ही मतलब कि कंट्रोल के बाहर होती है। तो देरी ना करते, सबसे पहले मैं यहाँ से निकलता हूँ। इट्स 8:13 एंड आई एम जस्ट रेडी टू लीव। यहाँ पे अभी कान खजूरा देखा मैंने, बहुत खतरनाक। एक क्लिप दिखाता हूँ, देखो आप। इतने में मैप लगाता हूँ। मेरा होटल है 195 किलोमीटर और मेन त्रिवेंद्रम वहाँ से थोड़ी सी और है, 10-12 किलोमीटर। 5-6 घंटे लगेंगे यार आज तो। ये है फोर्ट कोची के कुछ घर और बंगलो जो भी। तो यहाँ का ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपना कोची में फोर्ट कोची। ये वही वाली ट्रीज़ हैं जब मैं आया था, जो मैं आपको कह रहा था रबर प्लांटेशन पता नहीं क्या है, बट ये देखो ना कैसे इनके कैसे निकले हुए हैं और सूखे हुए पत्ते हैं और बड़े ही यूनिक से ट्री हैं ये, बहुत ही सुंदर लगते हैं। लुक एट दीज ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज बोथ साइड ऑफ द रोड। लुक एट द वे बोथ साइड इट कवर्ड विद द फुल ऑफ वाटर। इट वन इज अरेबियन सी एंड द लेफ्ट वन इज बैक वाटर। कितना सुंदर लग रहा है ना ये। इधर भी पानी, इधर भी पानी, कोची इज इन पानी, पानी पानी हो गई। देखो जब मैं LEP से रात को आ रहा था, जब मैंने व्लॉग नहीं करा था, मैं यहाँ पे बचा था। ये मेरे को दिख भी नहीं रहा था रोड के बीच में, बताओ। ऐसे पाइपलाइन डाल रही है और गड्ढा खोद रखा है पूरा और सामने से सारे हाई बीम पे आ रहे हैं और ये रोड बिल्कुल गीला, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बारिश इतनी तेज, यहाँ की गर्मी इतनी चिपचिपी है ना कि वाइज़र भी हेलमेट का बंद करता हूँ ना अगर तो दम सा घुटने लगता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब घुटन सी होती है। और अभी भी मतलब कि 30 पे चल रही है तो अगर थोड़ी सी स्पीड चले, थोड़ी सी अगर स्पीड पे चलेगी तो थोड़ी सी हवा लगने लगेगी, बट यहाँ के हाईवे इतने छोटे और ऊपर से स्कूल बसेज हो गई, टूरिस्ट बसेज हो गई और लोकल बसेज, तो ये हाईवे पे जगह ही नहीं होती देखो ना। तो ओवरटेक करने का रास्ता भी बस यही है कि अगर आप ओवरटेक करोगे तो ये राइट साइड पर आप बिल्कुल कॉर्नर से करोगे। इंडियन कॉफी हाउस, हेलो म्याऊ। सो दिस इज द टुडेज ब्रेकफास्ट, मसाला डोसा एंड पाइन एप्पल जूस। एंड राइट नाउ इट्स 9:40। एक चीज़ दिखाता हूँ जो इस डोसे में मेरे को कुछ डिफरेंट लगा है। द मसाला इज़ इन रेड कलर, मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। वैसे तो हमेशा पोटैटो होता है और येलो कलर का होता है, आई थिंक इसके अंदर बीट रूट है। तिरुवनंतपुरम 160 किलोमीटर, कोलम 89, कन्याकुमारी 245। यहाँ पे लेफ्ट में है LEP और अगर आप अंदर से चले जाओगे तो LEP आ जाएगा और ये बाहर से अपना सीधा हाईवे जाएगा कन्याकुमारी। अब मैं वेस्ट कोस्ट पे आ गया हूँ, साइड में है विजय पाट और साइड में एक बीच है और पूरा अरेबियन सी है मेरे राइट साइड में। अब देखो दिख रहा है ना पूरा अरेबियन सी, सही लग रहा है ना। और साइड में जो बीच है ये है LEP बीच अल्फूजा। वाह, पूरी की पूरी रिवर सी में मर्ज हो रही है, पूरा दिख रहा है, मतलब सामने बीच भी है, वेव्स भी आ रही हैं और रिवर भी जा रही है सी में और यहाँ से रिवर आ रही है। ऐसे थोड़ी ना केरला को सुंदर कहा जाता है, यही तो खूबसूरती है केरला में। पर सारे काले बादल हो गए हैं और बारिश का मौसम हो गया और अभी तो 11 भी नहीं बजे, बस बारिश नहीं आनी चाहिए। आज तक सिर्फ अपनी बुक्स में पढ़ा था तिरुवनंतपुरम, कन्याकुमारी, ये सब चीज़ें। आज मैं वहीं पे बाइक चला रहा हूँ, अच्छा लगा। SST की बुक में जियोग्राफी के मैप में पढ़ते थे केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। बारिश शुरू हो गई है अभी तो, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे है, अगर बढ़ गई तो अभी रुकना पड़ेगा यहीं पे। दिस इज़ नींद कारा ब्रिज।
वो आइलैंड देखो कितना अच्छा लग रहा है, सारे कोकोनट ट्रीज हैं चारों तरफ। यहाँ से अभी 62 किलोमीटर बचा है, यहाँ से अगर आप राइट जाओगे तो कोलम सिटी आ जाएगी। मेरे को ये वाली नाव में बैठना है यार, ये छोटी सी लकड़ी की जिसके अंदर एक आदमी बैठा होता है। सारी बोट्स खड़ी हैं आइलैंड पे, और आइलैंड में पूरे कोकोनट ट्री है और कुछ नहीं है, सारे कोकोनट ट्री। यहाँ पे तो मेरा मन कर गया दोबारा से बोटिंग करने का, इधर देख के कितना सुंदर लग रहा है सारा, इतना पानी पानी है चारों तरफ। गोइंग टू कन्याकुमारी देन कश्मीर, आफ्टर कन्याकुमारी, थैंक यू। अभी यहाँ से 6.6 किलोमीटर बचा हुआ है और 13 मिनट का रास्ता है, और मैं अभी गोप्रो अंदर रख रहा हूँ क्योंकि अभी बारिश स्टार्ट हो गई है। बारिश अभी बहुत तेज हो गई रास्ते में, बाइक को मैंने अभी थोड़ा सा पैक करा, ये वाला बैग रह गया है, और ये मैंने रेन लाइन पहन लिया, एक ये वाला रह रहा है, और बादल की आवाज़ सुनो। अभी 2:10 हो चुके और मुझे नहीं लगता कि अभी ये बारिश रुकेगी एक दो घंटे तक तो, और यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर बचा है और 13 मिनट का रास्ता है। बारिश रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है, और देखो बड़ी मुश्किल से अभी होटल मिला है मेरे को, 3:30 हो गए क्योंकि गूगल मैप भी नहीं देख पा रहा था मैं बारिश की वजह से। फिर जगह जगह पर रुक के ऐसी जगह देख के जी जहाँ पर बारिश ना आए वहाँ पर मैं रुक के गूगल मैप देख देख के यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे को यहाँ पर पहुँचना था 1:30 बजे और 3:30 हो गए, 2 घंटे में पूरे लेट हुआ हूँ मैं इस बारिश की वजह से। अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, मैं फटाफट से पहले सारी चीज़ें निकाल के बाइक से और रूम में शिफ्ट करता हूँ। सो इट्स 4:40 एंड आई एम रेडी आफ्टर टेकिंग अ बाथ, और अभी मैंने जोमेटो से नहाने से पहले ही ऑर्डर कर दिया था पिज़्ज़ा, अभी वो पिज़्ज़ा वगैरह आता है। और नाउ इट्स 6:15 और यहीं पे पास में 2 बीचेस हैं जो कि नियर बाय है, अराउंड 4.5 किलोमीटर है। वन इज़ मीनमकुलम एंड सेंट एंड्रयूज बीच, मैं सोच रहा हूँ अभी वहाँ पे जाया जाए। अभी मैं गोप्रो लगा के नहीं जा रहा, बस ऐसे ही जा रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ क्योंकि अंधेरा तो होने ही वाला है। बारिश होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक वेव्स आ रही है, मैंने अब तक 1.5 महीना हो गया मेरे को बीच पे वेस्ट कोस्ट पे घूमते हुए, मैंने ऐसी वेव्स नहीं देखी हैं। यहाँ पे तो जाना भी रिस्क है, कोई सब दूर खड़े हैं इसीलिए। पता नहीं कैमरा डिटेक्ट कर पा रहा नहीं, बट बहुत खतरनाक आ रही है। वो देखो पीछे रात के 8:30 हो गए, और मैंने बस अभी डिनर ऑर्डर किया है और थका बहुत ज़्यादा हुआ हूँ मैं, बस अभी सोऊंगा। और वहाँ पे वेव्स की हाइट मेरे ख्याल से अराउंड 6 फीट होगी, इतनी हाइट की वेव्स आ रही थी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। और आज के इस ब्लॉग को इतने रखते हैं, बस मैं डिनर करके सो जाऊंगा। सुबह भी मेरे को जल्दी निकलना है, बट आई होप कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ और सुबह जल्दी निकल जाऊँ बस। सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा बुरा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, बाय बाय। बाहर मैं अभी डिनर लेने गया था और बाहर अभी फिर से बारिश होनी स्टार्ट हो गई है यार, यहाँ पे बारिश नहीं रुक रही। सुबह पता नहीं मेरा जाना पॉसिबल हो भी पाएगा कि नहीं, गॉड नोज कि यार क्या होगा।